देखो डायरेक्ट हम एक फार्मूला लिख देते हैं कि अगर कोई ये लिक्विड है, ये लिक्विड है जिसकी डेंसिटी कितनी है बेटा सिग्मा, और कोई ये एक ब्लॉक ये इसका फ्लोट कर रहा है, इसकी लेंथ अगर एल है, लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया चाहे जिस शेप में उसे कोई मतलब नहीं, लेंथ एल है और इसकी रो है डेंसिटी, तो इसका टाइम अगर इसको थोड़ा सा आप पुश करके छोड़िएगा तो टाइम पीरियड का फार्मूला हम लोगों के पास है 2π√ रो एल अपॉन सिग्मा जी। ये एक फार्मूला याद रखना है, ये हर जगह काम आएगा। इसमें इसकी रिलेटिव डेंसिटी डी दिया है, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है कि डेंसिटी ऑफ ना डेंसिटी ऑफ बॉडी टू डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी इस फार्मूले के हिसाब से रो बाई सिग्मा का मतलब हो गया कि डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये दिया है डी, यानी कि ये जो वैल्यू है रो बाई सिग्मा ये डी रखना है। और इसने कहा है इसकी वर्टिकल ए इज, ये देखो ए इज वर्टिकल, तो वर्टिकल साइड जो है इस क्यूबॉइड का वो ए है यानी एल है, तो एल के बराबर हमें ए रखना है इस फार्मूले में, तो हो जाएगा 2π√ डी, ये हो गया डी ए बाई जी, तो ये चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो हमें इस ये फार्मूला हम ड्राइव नहीं करना चाहते थे, ड्राइव ये फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में किया था तुम लोग को, ये याद रखना है कि ये फार्मूला हर जगह अप्लीकेबल होगा, जरूरी नहीं कि कोई लिक्विड वाटर ही हो, तो ये रो बाई सिग्मा वाला फार्मूला और भी अप्लीकेबल हो सकता है तुमको। कभी कभी ये भी दे सकता है कि रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड के कुछ दे दे और रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड का दे दे, तो ये वहाँ भी अप्लाई हो जाएगा। जैसे अगर मान लो इसकी रिलेटिव डेंसिटी मान लो एक्स वन दे दे और लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी एक्स टू दे दे, तो आप यहाँ पे इस फार्मूले में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स वन रो वाटर और एक्स टू रो वाटर इंटू एल बाई जी, तो ये कट गया तो वो भी फार्मूला हो जाएगा। तो हमें यही फार्मूला याद रखना है, फार्मूला क्या है मैं फिर से लिख देता हूँ, 2π√ L/σg, ये फार्मूला याद रखना है। इसमें फिर से बता दें रो है इस सॉलिड की डेंसिटी, सिग्मा जो है ये उस लिक्विड की डेंसिटी है, और एल जो है वर्टिकल लेंथ है जो जिसके अलॉन्ग एसएचएम कर रहा है, और जी ठीक है टी टाइम पीरियड हो गया।